हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वजीत है और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई भी फ़ोटो, ऐप या गेम, कुछ भी अगर आप कुछ ट्रांसफ़र करना है दूसरे के फ़ोन पे, तो आप सिंपली क्या एक्सेंडर का इस्तेमाल करते थे या सेरेट, इस तरह के ऐप, थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है दोस्तों, और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको अच्छे क्लेरिफिकेशन के लिए बता दो कि इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करना आपको इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप जानते ही हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ़ोन की स्टोरेज ज़्यादा होगी। और दूसरा कारण है कि अभी चाइना का बहिष्कार चल रहा है, तो जेंडर, सेरिट जैसे ऐप जो चाइनीज़ ऐप हैं, आप क्यों इस तरह का थ्रेट इस्तेमाल करेंगे कि बाहरी कोई आपका फ़ोन हैक होने का खतरा हो। तो ये सब तरह कारण है, और सबसे अच्छा कारण ये है कि आप अगर फ़ोन में वो फीचर दिया हुआ है तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप सिंपली दोस्तों आपको बता दूँ, इस विधि का नाम है, इस तरीके का नाम है वाईफाई शेयरिंग। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। आपको मालूम होगा जब पहले फीचर फ़ोन आते थे छोटे छोटे, तो उसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन होता था, ब्लूटूथ से आप शेयर करते थे। अब ज़माना ज़रा सा बदल गया है, तो आप इसमें वाईफाई का इस्तेमाल कीजिएगा। सिंपली आप अपने वाईफाई जो है उसे टैप करके रखिएगा और वो वाईफाई ऑन हो जाएगा। उसके बाद वाईफाई की ज़रा से ऊपर में देखिएगा तो एक कॉलम लिखा हुआ रहता है वाईफाई डायरेक्ट, उसे क्लिक कीजिएगा, दोनों फ़ोन में क्लिक कीजिएगा और दोनों पेयरिंग हो जाएंगे। इसके बाद अपने पसंद का जो भी ऐप फाइल है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ, करके दिखाऊँगा कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपको बता दूं, फाइल ट्रांसफ़र वो भी वाईफाई डायरेक्ट से बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर से स्क्रीन को खींचना होगा। तो देख सकते हैं आपके सामने कॉलम आएगा वाईफाई का, आपको उसे प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखते ही एक नया सा इंटरफेस खुल गया है और इसमें सीधा सीधी दिया हुआ है वाईफाई ऑफ है, अभी इसे ऑन कर देना है। और सेम चीज़ आपको दोनों फ़ोन में करना है, जिससे भी आपको पेयरिंग करना हो, जिससे आपको फाइल को ट्रांसफ़र करना है उसे ऑन कर देना है। इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं एक एडवांस और एक वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको वाईफाई डायरेक्ट पे क्लिक करना है, दोनों फ़ोन में करना है। दोनों फ़ोन में जब कर ले रहे हैं तो ऐसा करते ही देखिए एक कॉलम आ गया है वाईफाई गोपाल गैलेक्सी A6 Plus, मैं इसे पेयरिंग कर रहा हूँ। तो आप किसी भी एक फ़ोन में, दोनों में से एक पर टच कीजिएगा, जिस पर टच कीजिएगा तो सामने वाले फ़ोन में ये एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन आएगा, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब फ़ोन एक्सेप्ट हो गया है, मैंने पेयरिंग हो चुका है। अब आपको जिससे भी ट्रांसफ़र करना है आप सीधा बैक कीजिए, काट दीजिए। आपको अगर इस फ़ोन से चाहिए, जिस फ़ोन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका ट्रांसफ़र करना है या इससे लेना है तो भी कर सकते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल इस फ़ोन में चाहिए कुछ, तो मैं दूसरे वाले फ़ोन में गैलरी में जा रहा हूँ और यहाँ जाते ही मुझे जो भी चाहिए उसे मैं शेयर करूँगा। तो उसमें शेयर का एक ऑप्शन आता है, बिल्कुल आसान तरीका, जैसे आपने ब्लूटूथ में शेयरिंग किया होगा सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ ब्लूटूथ ना होकर वाईफाई शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, तो वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो वाईफाई डायरेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही शेयर का बटन आएगा और शेयर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप ऊपर में, जैसे ही मैंने शेयर बटन दबाया तो यहाँ पर कुछ फाइल आने शुरू कर दी। वैसे बता दो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा है, मैं अभी YouTube के लिए ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये कम से कम 600 MB का है और रफ्तार काफ़ी अच्छी है। अच्छी क्या, ये सेम अगर जेंडर या वाईफाई या सेरेट की जो है स्पीड उसी के बराबर है। सो आने दीजिए। तो काफ़ी अच्छी स्पीड है दोस्तों, और देखिए ये फाइल रिसीव हो भी गया है। अब मैं इसे आराम से प्ले करके देख सकता हूँ, अगर टच करेंगे तो ये देखिए ये आ गया है, ये लगभग 450 MB का था, स्पीड काफ़ी अच्छी थी। अब मैं इसे प्ले करके देख सकता हूँ। सो यही था दोस्तों हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये चैनल, ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों।
और इस वीडियो संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।